Hello students, today we understand class 5th science term 3rd chapter 3 moon the natural satellite. Moon kya hai? Yani ki chand jo hai wo kya ek natural satellite hai? Kiska? Earth ka. To uske bare mein is chapter mein hum padhenge. Is chapter ka hamara topic hai the moon the natural satellite of the earth the lunar and the solar eclipse occurrence of tides आर्टिफिशियल सैटेलाइट एस्ट्रोनॉट्स एंड स्पेस. इन सारे टॉपिक को आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपको ये डायग्राम देखना है और उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देना है. विच ऑफ दीज हैव इट्स ऑन लाइट. ये जो तीन डायग्राम दिए हुए हैं काय काय के हैं ये. इनमें आपको ये बताना है कि किसकी खुद की लाइट है ना. प्लेनेट दिए हुए हैं और स्टार दिए हुए हैं उनके नाम बताना आपको. विच ऑफ दीज इज अ प्लेनेट. इनमें से कौन सा एक प्लेनेट है. जैसे फर्स्ट डायग्राम दिया हुआ है वो सन का है, सेकेंड मून का है और थर्ड अर्थ का. तो इनमें से कौन सा प्लेनेट है आपको बताना है. वाई इज अ मून नॉट विजिबल ड्यूरिंग द डे. मून हमको दिन में दिखाई क्यों नहीं देता. उसका आंसर आपको लिखना है. द मून द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून क्या है. अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. द सन इज अ क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ. सन जो है वो अर्थ के सबसे पास वाला स्टार है. तो सन भी क्या हुआ एक स्टार. अ स्टार हैज इट्स ओन हीट एंड लाइट. तो स्टार जो होता है उसके खुद की हीट और लाइट है. द अर्थ इज अ प्लेनेट. अर्थ क्या है. हमारी पृथ्वी जो है वो क्या है प्लेनेट है यानी कि ग्रह है. अ प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड अ स्टार. हमारा ये जो प्लेनेट है ये अर्थ ये किसके आसपास घूमता है. सन के आसपास घूमता है. अ प्लेनेट डज नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट. हमारे इस प्लेनेट की खुद की लाइट भी नहीं है किसी तरीके की और हीट भी नहीं है. अ मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द प्लेनेट अर्थ. और मून यानी कि चांद जो है वो हमारी पृथ्वी का क्या है उपग्रह है. अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लेनेट. सैटेलाइट जो होता है वो किसके रिवॉल्व करता है प्लेनेट के. अ सैटेलाइट हैज इट्स ओन लाइट. जो सैटेलाइट जो होता है उसकी खुद की लाइट होती है. इट रिफ्लेक्ट टू द सन्स लाइट फॉल दैट फॉल ऑन इट. वो क्या करता है जो लाइट उसके ऊपर सन की गिरी है वो उसको एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद उसको क्या कर देता है रिफ्लेक्ट कर देता है. तो ये हो गया मून के बारे में. अगला हमारा जो आता है टॉपिक वो है द सरफेस ऑफ द मून. अब मून की सरफेस किस तरीके की है ना उसके बारे में इस चैप्टर में. द सरफेस ऑफ द मून इज नॉट स्मूथ. मून की जो सरफेस है चांद के पे जो जमीन है वो स्मूथ नहीं है बिल्कुल भी. इट इज रफ एंड अनइवन. वो क्या है ऊंची नीची है और बिल्कुल रफ है. इट इज मोस्टली मेड ऑफ रॉक्स एंड अ लार्ज डीचेस ऑन इट्स सरफेस कॉल्ड क्रिएटर्स. ये किससे बनी हुई है. यहाँ की सरफेस अधिकतर लगभग पत्थरों से बनी हुई है और उसमें बीच बीच में कहीं पे खड्डे हैं जिनको क्रेटर्स कहा जाता है. क्रेटर्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एस्टेरॉइड्स एंड मेटियोरिटीज कोलाइड विद द सरफेस ऑफ द मून. अब क्या होता है कि क्रेटर्स ये जो खड्डे जो है ये कब बन जाते हैं जब एस्टेरॉइड या फिर मेटियोरिटीज वो मून के सरफेस पे उतरते हैं उस टाइम पे इस तरीके से बन जाते हैं. द सरफेस ऑफ द मून इज कवर्ड विथ डार्क ग्रे डस्ट. मून की जो सरफेस है वो पूरी किससे ढकी हुई है डार्क ग्रे डस्ट से. वहाँ पे किसी तरीके की लाइफ अभी तक पॉसिबल नहीं हुई है. तो मून जो है उसके अलग अलग फेसेस है. वो मून के फेसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं. द मून सीम्स टू चेंज इट्स शेप एवरी डे वेन वी सी इट फ्रॉम द अर्थ. जब मून को हम अर्थ से देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि वो डेली अपना शेप चेंज करता है. ठीक है. दिस डिफरेंट शेप ऑफ द मून आर कॉल्ड इट्स फेस. ये जो अलग अलग शेप का हमको जो दिखाई देता है मून ये क्या कहलाता है उसके फेस कहलाते हैं. द फेसेस ऑफ द मून डिपेंड ऑन इट्स पोजिशन इन द रिलेशंस टू द सन एंड द अर्थ. ये जो फेसेस हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस तरीके का दिखाई देगा. वो मून और सॉरी सन और अर्थ के बीच में जो रिलेशन है और उनकी जो पोजिशन है उसके कारण ये जो फेसेस हैं ये बनते हैं. एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन सॉरी अर्थ. जब मून
अर्थ क्या है आसपास घूमेगा। वी सी द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून सरफेस एट डिफरेंट एंगल, हमको मून की सरफेस का ब्राइट यानी कि जो धुंधला धुंधला लाइट कलर जो होता है ना, वो हमको यहाँ से अर्थ से अलग अलग एंगल पे दिखाई देगा। अब लाइफ ऑन द मून, क्या मून पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं है, यहाँ कोई रहता है या नहीं रहता है उसके बारे में। देर इज अ नो एयर एंड अ वाटर ऑन द मून, मून पर कोई एयर भी नहीं है और वाटर भी नहीं है मून पे, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन द मून। इसलिए मून पे ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे रह सके। ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ द एटमोसफियर देर इज अ नो प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन, वहाँ पे किसी तरीके का एटमोसफियर नहीं है, इसके कारण क्या होता है जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती जो है सन से, या फिर हार्मफुल रेज जो होती है सन की, उससे हमको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता, इसलिए वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। ऑल्सो द टेम्परेचर वेरीज ग्रेटली, और दूसरी तरफ वहाँ का जो तापमान है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म है। द ग्रेविटी ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, उसके बाद जो अर्थ की जो ग्रेविटी है और मून की जो ग्रेविटी है वो दोनों की अलग अलग है। मून की ग्रेविटी कितनी है 1/6 है अर्थ की ग्रेविटी का 1/6। अब जितनी अर्थ की ग्रेविटी होगी उसका 1/6 क्या है मून की ग्रेविटी। इफ यू लिफ्ट अ वेट ऑफ 18 kg ऑन द अर्थ इट वुड बी रिड्यूस्ड टू 3 kg ऑन द मून। अगर मान लीजिए आपने अर्थ पे वेट किया किसी चीज़ का, तो उसका कितना वेट है 18 kg है, और उसी को अगर आप मून पे ले जाके वेट करोगे तो वो कितने 3 kg से कम हो जाएगा। देयरफॉर इट इज इजी टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट ऑन द मून, इसलिए वहाँ पे मून पे किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि वहाँ पे वेट कम हो। नेक्स्ट आता है हमारा लूनार एंड सोलर इक्लिप्स। लूनार इक्लिप्स क्या होता है, सोलर इक्लिप्स क्या होता है उसके बारे में, यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट डे डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड एन ओपेक ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास नहीं होती हो वो क्या कहलाता है, ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे कि दीवार, दीवार के आर पार आप नहीं देख सकते हो, दरवाजा हुआ, बोर्ड हुआ, इनके आसपास आप नहीं देख सकते, ये क्या है ओपेक ऑब्जेक्ट है। व्हेन द लाइट फॉल ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इट्स शेडो इज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। क्या होता है, जब भी किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है तो उसकी क्या बनती है, शेडो बनती है। शेडो यानी कि परछाई बनती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से आप लाइट पास कर रहे हो उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, उसकी शेडो बनेगी। द अर्थ एंड द मून आर ओपेक ऑब्जेक्ट, अर्थ और मून दोनों ही क्या है ओपेक ऑब्जेक्ट है। देयर शेडो आर फॉर्म्ड व्हेन द सन्स लाइट फॉल ऑन देम, उनकी क्या बनेगी, शेडो बनेगी, परछाई बनेगी जब सूर्य की लाइट उसके ऊपर गिरेगी। द शेडो ऑफ द अर्थ एंड द मून्स आर काज ऑफ इक्लिप्स, ये जो शेडो बनती है अर्थ की और मून की यही क्या होता है, या इसके कारण क्या होता है, इक्लिप्स होता है। एन इक्लिप्स इज एन इवेंट वेन द सन इज हिडन बिहाइंड द शेडो ऑफ द मून, और द मून इज हिडन बिहाइंड द शेडो ऑफ द अर्थ। अब इक्लिप्स क्या होता है, देखो इक्लिप्स में क्या होता है, ये जो शेडो बनती है इस शेडो के अंदर जो आ जाता है मून, या फिर क्या हो जाता है, सन जो है वो हमारे अर्थ के शेडो पे आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है फिर, इक्लिप्स कहलाता है। अब वो कब आएगा शेडो, किस तरीके से आएगा सन और मून दोनों के ऊपर, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लूनर इक्लिप्स। यू नो डेट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द मून्स रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, हमने पढ़ा है कि मून जो है वो अर्थ के रिवॉल्व करता है यानी कि आसपास घूमता है, और अर्थ जो है हमारी वो किसके, सन के चक्कर लगाती है। व्हाइल रिवॉल्विंग एन इवेंट ओक्योर्स व्हेन द सन द मून एंड द अर्थ ऑल लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन इन सच अ वे दैट द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून। क्या होगा, एक इवेंट ऐसी होगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या होगा, सन अर्थ और मून तीनों ही क्या होंगे, एक लाइन में होंगे, और इसमें क्या होगा कि जो मून की जो शेडो है वो किसके ऊपर गिरेगी, अर्थ के ऊपर, सॉरी अर्थ की जो शेडो है वो किसके पे ऊपर गिरेगी, मून के ऊपर। द मून इज नॉट विजिबल फ्रॉम अ सर्टेन पार्ट ऑफ द अर्थ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब अर्थ की शेडो मून के ऊपर गिर रही है उसके कारण क्या होगा, कुछ हिस्सों से
मून जो है वो हमको दिखाई नहीं देता, अर्थ के कुछ हिस्सों से मून दिखाई नहीं देता है। दिस इज कॉल्ड अ लूनर इक्लिप्स, ये क्या कहलाता है? लूनर इक्लिप्स कहलाता है, यानी कि चंद्र ग्रहण। द इक्लिप्स इज ओवर वेन द मून कम्स आउट ऑफ द शेडो एंड अगेन विजिबल फ्रॉम द अर्थ। अब वह क्या होता है कि कुछ समय बाद फिर से जो मून जो है वो क्या हो जाता है, अर्थ की शेडो से बाहर आ जाता है और वो फिर हमको सबको दिखाई देता है। अ लूनर इक्लिप्स ओक्योर्स ऑन अ फुल मून डे और पूर्णिमा। जो लूनर इक्लिप्स जो होता है वो कब होता है? फुल मून डे या फिर जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं उस दिन होता है। अ लूनर इक्लिप्स में भी पार्टियल और कंप्लीट। लूनर इक्लिप्स जो होता है वो पार्टियल यानी कि आधा भी हो सकता है और फुल यानी कि पूरा भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। अ पार्टियल लूनर इक्लिप्स ओक्योर्स वेन अ पार्ट ऑफ द मून इज हिडन बिहाइंड द शेडो ऑफ द अर्थ। अब पार्टियल लूनर इक्लिप्स जो होता है उसमें क्या होगा कि कुछ हिस्सा सन का जो है, सॉरी मून का कुछ हिस्सा अर्थ की शेडो के अंदर आता है यानी कि उससे ढक जाता है, तो वो क्या कहलाता है? पार्टियल लूनर इक्लिप्स। द टोटल लूनर इक्लिप्स ओक्योर्स वेन द मून इज कम्प्लीटली हिडन बिहाइंड द शेडो ऑफ द अर्थ। अब टोटल लूनर इक्लिप्स कब होगा? जब पूरा ही मून अर्थ की शेडो से ढक जाएगा या फिर गिर जाएगा, उस कंडीशन में टोटल लूनर इक्लिप्स होता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स क्या होता है? व्हाइल रिवॉल्विंग अ सिचुएशन ऑक्योर्स व्हेन द सन द मून एंड द अर्थ कम्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन सच अ वे दैट द मून लाइज बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अब क्या होगा, जब रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है उस टाइम पे एक सिचुएशन ऐसी भी बनती है जिस टाइम पे तीनों ही क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन में होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो मून जो है वो किसके बीच में आ जाता है? अर्थ और सन के बीच में। इस कंडीशन में क्या होता है? द शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ एंड द सन इज नॉट विजिबल टू द पीपल लिविंग इन द शेडो पार्ट ऑफ द अर्थ। क्या होता है कि जो मून की जो शेडो है वो किसके ऊपर गिरती है? अर्थ के ऊपर गिरती है। पहले क्या हुआ था, अर्थ की शेडो मून के ऊपर गिर रही थी, इस कारण से मून नहीं दिख रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मून की जो शेडो है वो किसके ऊपर गिर रही है? अर्थ के ऊपर गिर रही है। इसके कारण हमारी अर्थ का जो कुछ पार्ट जो है, सॉरी अर्थ के कुछ हिस्से से मून जो है वो हमको पूरा क्लियर दिखाई नहीं देता, वो हमको ऐसा लगता है जैसे छुप गया, तो वो क्या कहलाता है फिर? सोलर इक्लिप्स कहलाता है। दिस इवेंट इज टर्म्ड एज अ सोलर इक्लिप्स। अ सोलर इक्लिप्स ओक्योर्स ऑन अ न्यू मून डे और अमावस्या। जो सोलर इक्लिप्स है वो कब होती है? न्यू मून डे को या फिर अमावस्या होती है। तो लूनर इक्लिप्स कब होता है? पूर्णिमा को, और सोलर इक्लिप्स अमावस्या को। अ सोलर इक्लिप्स में भी पार्टियल और टोटल। सोलर इक्लिप्स भी जिस तरीके से लूनर इक्लिप्स पार्टियल या फिर टोटल हो सकता है, उसी तरीके से सोलर इक्लिप्स भी पार्टियल या फिर टोटल हो सकता है। अ पार्टियल सोलर इक्लिप्स ओक्योर्स व्हेन अ पार्ट ऑफ द सन इज हिडन बिहाइंड द शेडो ऑफ द मून। क्या होगा कि जब सूर्य का कुछ हिस्सा मून की शेडो से ढक जाएगा तो क्या कहलाएगा? पार्टियल सोलर इक्लिप्स। और टोटल सोलर इक्लिप्स, जब पूरा ही हिस्सा जो है सन का वो मून के शेडो से घिर जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? टोटल सोलर इक्लिप्स। डू नॉट लुक एट द सोलर इक्लिप्स, इट इज हार्मफुल टू योर आई। अब सोलर इक्लिप्स को हमको नहीं देखना चाहिए, यानी कि सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए ऐसे ही आंखों से। अगर हम उसको देखते हैं तो हमारी आंखें खराब हो सकती है। अब ऑक्यूरेंस ऑफ टाइट्स। टाइट्स क्या होते हैं और वो कब आते हैं? टाइड्स आर रियली ऑल अबाउट ग्रेविटी। टाइड्स जो होते हैं वो पूरे किसका काम है उसमें? ग्रेविटी का। इट इज द मून्स ग्रेविटी डेट कास्ट टाइड्स। ये किसकी? मून की ग्रेविटी है जिसके कारण टाइड्स जो है वो हमारे यहाँ पे आते हैं अर्थ पे। एज द अर्थ रोटेट्स द मून्स ग्रेविटी पुल्स ऑन इट्स डिफरेंट पार्ट्स। जब अर्थ रोटेट करता है तो मून की जो ग्रेविटी है वो क्या करती है? कुछ हिस्सों को पुल करती है। द मून्स ग्रेविटी इज अ वेरी 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। और मून की जो ग्रेविटी है वो कितनी है? 1/6 है अर्थ की ग्रेविटी के। द मून इज अ वेरी क्लोज टू द अर्थ सो इट्स ग्रेविटी इज एबल टू मूव थिंग्स अराउंड। मून जो है वो अर्थ के बहुत ज्यादा पास में है, इसी के कारण यहाँ पे ये सारी चीजें, जो कुछ चीजें जो घूमती है वो इसी ग्रेविटी की वजह से ही घूमती है। वेन द मून्स ग्रेविटी पुल्स द वाटर्स ऑफ द ओशियंस एंड द सीज एंड द वाटर्स बल्जेस इन द डायरेक्शन ऑफ द मून। क्या होता है कि मून की जो ग्रेविटी है वो क्या करती है?
जो पानी समुद्र का या फिर नदियों वगैरह का जो पानी जो होता है, ओशन का या फिर सी का जो वाटर होता है, उसको क्या करता है, सन के डायरेक्शन में क्या करता है, वो मूव करता है। द बल्ज इज स्टेट वाट वी कॉल अ हाई टाइड। ब्लज जो होता है उसको हाई टाइड कहा जाता है। एट द सेम टाइम इन अदर पार्ट ऑफ द अर्थ द ओशन वाटर्स ड्रेन्स अवे टू फिल दीज बजेस क्रिएटिंग लो टाइड्स। इन मोस्ट प्लेसेस देयर आर द टू हाई टाइड्स एंड द टू लो टाइड्स अ डे। अब क्या होता है, उसी बार उसी टाइम क्या होता है, एक तरफ तो क्या होगा, ये जो टाइड्स जो है वो क्या होंगे, हाई होंगे, यानी कि जो पानी जो है एक तरफ तो बढ़ेगा अर्थ पे, और दूसरी तरफ ये पानी क्या हो जाएगा, वो टाइड्स की वजह से कम होगा सेम डे। अब नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। सेम उसी तरीके से कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी है हमारी अर्थ के, तो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज अ मेन मेड सैटेलाइट डेट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो सैटेलाइट होते हैं जो कि किसके, अर्थ के रिवॉल्व करते हैं, यानी कि अर्थ के आसपास घूमते हैं, जो कि हमने भेजे हैं। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वॉज स्पुतनिक 1। जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो था स्पुतनिक 1 या फिर फर्स्ट, विच वॉज लॉन्च्ड बाई देम USSR रशिया इन द ईयर 1957। जो कि पहली बार लॉन्च किसके द्वारा हुआ था, रशिया के द्वारा हुआ था। कब, 1957 में। आफ्टर डेट मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर डिफरेंट पर्पजेस। उसके बाद में बहुत सारी कंट्रीज ने अपने अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के आसपास छोड़ रखे हैं अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। इंडिया ने भी छोड़ रखे हैं। अ रॉकेट इज यूज टू लॉन्च एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। रॉकेट को यूज़ में लिया जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। द इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वॉज आर्यभट्ट, विच वॉज लॉन्च इन 1975। इंडिया का जो सबसे पहला आर्टिफिशियल सेटेलाइट था वो क्या था, आर्यभट्ट, जिसको 1975 में लॉन्च किया गया था। सिंस देन इंडिया वॉज हैज़ डेवलप्ड एंड लॉन्च मेनी आर्टिफिशियल सेटेलाइट। उसके बाद में इंडिया ने बहुत सारे आर्टिफिशियल सेटेलाइट बना लिए और लॉन्च कर दिए, जैसे कि भास्करा, रोहिणी, इंसाट, एप्पल और भी बहुत सारे। ये कुछ हैं इनमें से, और भी बहुत सारे इसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्यों छोड़े जाते हैं और उनमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में। द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस लाइक लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स, टेलेक्स रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। द सैटेलाइट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस आर कॉल कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब क्या होता है कि लंबी दूरी तक जो नेटवर्क जो होता है या फिर कम्युनिकेशन जो होता है उसको बनाए रखने के लिए, जैसे कि टेलीफोन कॉल्स हो गया, टेलेक्स हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट हो गया, इन सब पर्पस के लिए जो सैटेलाइट छोड़ जाते हैं उनको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज्ड बाय द मिलिट्री फॉर स्पेइंग इन ऑफ एनिमी ट्रॉप्स टू लोकेट देयर पोजिशन एंड मूवमेंट। अब उसके बाद में जो मिलिट्री जो होते हैं उनके द्वारा भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, क्यों, ताकि वो अपनी जो दुश्मन जो होते हैं दूसरे देश के, उनकी लोकेशन को ट्रैक कर सके, उनको खत्म कर सके या फिर रोक सके। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी छोड़ा जाता है, ताकि हमको पहले से मौसम के बारे में पता चल सके कि कब किस टाइम पे क्या होने वाला है। दिस इज डन बाय द फिटिंग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट एंड द पावरफुल कैमरास इन द सैटेलाइट विच मोनिटर वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स सच एज एयर प्रेशर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब उसमें क्या होता है, जो सैटेलाइट जो होते हैं उनमें क्या होता है, इस पर्पज़ के लिए जो सैटेलाइट छोड़ा जाता है उसमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट को फिट किया जाता है, जिसमें पावरफुल कैमराज होते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं किसकी, क्लाइमेट फैक्टर की, एयर प्रेशर की, टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, करते हैं मॉनिटरिंग करते हैं, और उससे भी पता चलता है हमको कि किस टाइम पे क्या होने वाला है। सैटेलाइट यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग आर कॉल्ड वेदर सैटेलाइट। जो सैटेलाइट वेदर फोरकास्टिंग यूज में लिए जाते हैं वो वेदर सैटेलाइट कहलाते हैं।
द आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अदर प्लेनेट, आउटर स्पेस, स्टार, गैलेक्सीज एंड एस्ट्रॉयड। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं उनको अदर प्लेनेट की इंफॉर्मेशन के लिए भी छोड़ा जाता है, या फिर अगर हमको हमारी आउटर स्पेस देखना है, स्टार्स को, गैलेक्सी को, एस्ट्रॉयड को, इनके ऊपर अगर नज़र रखना है, तो उसके लिए भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ लाइक द ऑयल वेल्स, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल, नेचुरल गैस एंड कोल डिपॉजिट। इसके अलावा आर्टिफिशियल सैटेलाइट और लॉन्च क्यों किए जाते हैं? ताकि हमको हमारे जो अर्थ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में पता चल सके, जैसे कि ऑयल वेल्स कहाँ हैं, अंडरग्राउंड वाटर कितना है, मिनरल्स क्या क्या हैं, नेचुरल गैस, कॉल डिपॉजिट, इन सब की जानकारी देने के लिए भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज्ड टू लोकेट प्लेस एनी वेयर ऑन द अर्थ विद अ ग्रेट एक्यूरेसी। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हेल्प से हम किसी भी जगह को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस सैटेलाइट आर कॉल्ड नेविगेशन सैटेलाइट। वो सैटेलाइट क्या कहलाते हैं? नेविगेशन सैटेलाइट कहलाते हैं, जिसमें GPS लगा हुआ रहता है। ग्लोबल वॉजनिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन नेविगेशन सेटेलाइट। जो GPS होता है हमारा, वो भी किसके बेस पे होता है? नेविगेशन सेटेलाइट के बेस पर ही होता है। फैक्ट 5, इंडिया फर्स्ट लूनर मिशन। इंडिया का पहला लूनर मिशन चंद्रयान वॉज लॉन्च ऑन 22 अक्टूबर 2008। चंद्रयान जो था वो कब लॉन्च किया गया था? 2008 में, 22 अक्टूबर 2008 में। लूनर मिशन मतलब चांद के ऊपर छोड़ा गया था चंद्रयान। इट ओपन्स अंटिल 28 अगस्त 2009, क्रिएटिंग हाई रिजोल्यूशन केमिकल, माइनरोलॉजिकल्स एंड द फोटो जियोलॉजिकल मैप्स ऑफ द लूनर सरफेस एंड कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द लूनर सॉइल। ये कब उतरा था? 28 अगस्त 2009 को। वहाँ पे जो चांद की जो सतह है वहाँ पे उतरा था, और उसके बाद में उसने उसके कुछ फोटोग्राफ्स या फिर कुछ जो माइनरोलॉजिकल जो थे चीज़ें थी उससे ये कंफर्म किया करवाया था कि चांद की सतह पर वाटर के क्या है, मॉलिक्यूल्स है उसमें, सॉइल में। चांद की जो सॉइल है यानी कि जो मिट्टी है उसमें कहीं कहीं पे पानी भी है, वो इसी से पता चला था। उसके बाद चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 वाज इन इंडिया सेकेंड लूनर मिशन। चंद्रयान 2 जो था वो क्या था? इंडिया का सेकेंड लूनर मिशन था। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू मैप एंड स्टडी द वेरिएशंस इन द लूनर सरफेस। इसका मेन उद्देश्य ये था कि वो क्या करें, मैप की और उसके अलग अलग वेरिएशन की, मून के वेरिएशन की स्टडी करें लूनर सरफेस में जाने के बाद में। इट वॉज लॉन्च ऑन 22 जुलाई 2019। इसको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, यानी कि अभी से 1 साल पहले। एस्ट्रोनॉट्स एंड स्पेस। अब एस्ट्रोनॉट्स और स्पेस। एन एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन हु इज स्पेशली ट्रेन टू ट्रेवल इन टू स्पेस। एस्ट्रोनॉट वो पर्सन होता है जो कि जिसको स्पेशल ट्रेन किया जाता है स्पेस में ट्रेवल करने के लिए। एस्ट्रोनॉट्स हैव अ टू अंडरगो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग बिफोर ट्रेवलिंग इन टू स्पेस। वो जो एस्ट्रोनॉट होता है उसको पहले से ट्रेनिंग दी जाती है और उसकी टेस्टिंग की जाती है उसको स्पेस में भेजने से पहले, यानी कि अंतरिक्ष में भेजने से पहले। दे कैन पार्टिसिपेट इन एनी स्पेस फ्लाइट। वो किसी भी स्पेस फ्लाइट में पार्टिसिपेट कर सकता है। एस्ट्रोनॉट्स वियर्स स्पेस शूट्स वेन एवर दे हैव अ स्पेस क्राफ्ट। जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस क्राफ्ट में बैठता है तब वो स्पेस शूट पहनता है। देर इज नो एयर इन द स्पेस एंड इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड फिल्ड विद द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। स्पेस में किसी तरीके की एयर नहीं होती है, ठीक है, और वहाँ पे जो तापमान जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, ठंडा होता है, और बहुत सारी जो सन की रेज होती है उससे भी उसको हार्म पहुँच सकता है, इसलिए वो क्या करता है, स्पेस सूट पहनता है। स्पेस सूट्स आर स्पेशली डिजाइन टू प्रोवाइड एस्ट्रोनॉट्स विद एयर, प्रोटेक्ट फ्रॉम देम फ्रॉम द एक्सट्रीम टेम्परेचर ऑफ द स्पेस एंड हार्मफुल रेज ऑफ द सन। क्या
क्या होता है, जो स्पेसक्राफ्ट होता है उसको इसी तरीके से बनाया जाता है, जिसमें वो क्या होता है, उसको एयर भी मिल जाती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर भी मिल जाता है, और जो सन की जो हार्मफुल रेज होती है उनसे भी उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है। विदाउट प्रोटेक्शन एन एस्ट्रोनॉट्स वुड क्विकली डाई इन स्पेस। बिना प्रोटेक्शन के जो एस्ट्रोनॉट्स है वो कुछ ही मिनटों में मर जाता है। वियरिंग अ स्पेस शूट अलाउस एन एस्ट्रोनॉट टू सर्वाइव एंड वर्क इन स्पेस। अगर वो स्पेस सूट पहन के अगर जाते हैं तो उससे उनको वहाँ पे सर्वाइवल करने में हेल्प मिलती है और वो अपना काम कर पाते हैं। नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून। नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग ये अमेरिका का पहला एस्ट्रोनॉट था जिसने चांद पे अपने पैर रखे थे, और ये यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, एन नील आइडन एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है।